देखिए, सफल चीजें अलग नहीं बनाती हैं, अलग चीजें इंसान को सफल बनाती हैं। कोई बच्चा टीचिंग के प्रोफेशन में क्यों नहीं जाना चाह रहा है? हाँ, ओ कैसे, लौंडा अपना टाइट है और A1 इन फाइट। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुस्ताख इंडियन पर। देखिए, स्टाइल से आपको पता तो लग गया होगा कि आज हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अलख पांडे उर्फ फिजिक्स वाला की। आखिर कैसे फिजिक्स वाला इतना बड़ा बन गया है? हाँ, ओ कैसे। देखिए, बहुत से यूट्यूबर यूट्यूब पर आकर ये क्लेम करते हैं कि फिजिक्स वाला फ्रॉड है, स्कैमस्टर है। तो दुनिया कौन सही है कौन गलत है इस बात को कुरेदने में लग जाती है। मेरी जान, एक बात गांठ बांध लो कि जो भी इंसान बड़ा बना है उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी होगी जो अभी तक दूसरों में नहीं पहुंची या आसपास वाले लोगों में नहीं पहुंची। देखिए, सफल चीजें अलग नहीं बनाती है, अलग चीजें इंसान को सफल बनाती है। अलख पांडे, अवध ओझा, खान सर, विकास दिव्य कीर्ति, ये इंडिया के टीचर्स जो है ना, ये जेम्स है यार, जेम्स। बाकी अगर आपको यूट्यूब पर और कोई टीचर अच्छा लगता है तो प्लीज उनका नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उन टीचर्स का नाम पहुंचे। तो आइए अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, आप सभी का स्वागत है गुस्ताख इंडियन पर। देखिए, चैनल की रीच भले ही थोड़ी कम है, लेकिन दावा है कि चैनल की रीच जिंदगी में आपको कभी ना कभी काम जरूर आएगी। और अगर कम रीच के बावजूद भी मेरी ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज, देखिए कहने वाली बात नहीं है, आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए और हमें मजबूर कर दीजिए कि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाए यूट्यूब। दोस्तों, ज्यादातर बच्चों की एस्पिरेशन डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनने की ही क्यों होती है? कोई बच्चा टीचिंग के प्रोफेशन में क्यों नहीं जाना चाह रहा? कोई रीजन है? मैं बताता हूं, क्योंकि पुराने टीचर्स ने ये एग्जाम्पल ही सेट नहीं किया कि टीचर्स बन के आप बड़े आदमी बन सकते हो। लेकिन ये एग्जाम्पल अब सेट करने की कोशिश हुई है अमेजॉन मिनी टीवी के एक वेब सीरीज जो आई है फिजिक्स वाला के जरिए। और इस वीडियो के एंड में आपको अलख पांडे सर का छोटा सा मैसेज भी मिलने वाला है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। अब आप सवाल करेंगे कि वेब सीरीज को क्यों देखूं? अरे पता तो है, अलख पांडे की कहानी है, पता होगा कि फिजिक्स वाला लास्ट में बहुत बड़ा बन जाएगा, पहले गरीब टीचर होगा, वही घिसी पिटी कहानी होगी, है ना? आप यही सोच रहे हो ना? तो दोस्तों, मैं आपको बोलूंगा कि कहानी जानने के लिए नहीं, सोच को समझने के लिए देखिए कि अलख पांडे की सोच क्या थी। इस वेब सीरीज को खुद को टटोलने के लिए देखिए, क्योंकि हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी हम टीचर जरूर बनते हैं। कोई ना कोई मौका जरूर आता है जब हमें कोई ना कोई काम अपने से जूनियर या किसी दूसरे इंसान को सिखाना पड़ता है। तो अच्छा टीचर बनने के लिए फिजिक्स वाला आपके काम आ सकता है। वेब सीरीज में एक अलख पांडे नाम का लड़का है जो इंडिया का सबसे बड़ा टीचर बनना चाहता है, लेकिन आप तो जानते हो किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है, जब इसकी जरूरत होती है ये उस वक्त ही काम करना बंद कर देती है। और अलख पांडे के साथ भी ऐसा ही हुआ, पर धीरे धीरे अलख ने अपनी सोच के जरिए उस इंडस्ट्री को कॉन्कर कर। बाकी अलख पांडे सर के मुताबिक क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए थोड़ी बहुत इस कहानी में फिक्शन का इस्तेमाल भी किया गया है, थोड़ी सी अपने पास से भी जोड़ी है। मैं बोलूंगा वेब सीरीज थोड़ी सी स्लो है, आप बोर हो जाओगे बीच बीच में, लेकिन श्रीधर दुबे, मैं इस आदमी के लिए कहूंगा लौंडा अपना टाइट है और A1 इन फाइट है। श्रीधर जी ने धमाकेदार काम किया, जहां बैठे हो इनके लिए ताली बजा देना, क्योंकि यही एक वजह है जो आपको बोर होने से बचा लेती है। श्रीधर दुबे नाम याद रखिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब अलख पांडे सर से पूछा गया कि सर इस वेब सीरीज के बारे में कुछ बताइए, तो सर ने कहा बेटा ना मैं देख रहा हूं ना तू देख, क्योंकि जनवरी में आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, अभी पढ़ाई कर लो, प्लेटफॉर्म पे हमेशा के लिए वेब सीरीज पड़ी रहेगी, तो आप पहले पढ़ाई करो और फिर जाके इस वेब सीरीज को देख लेना जब टाइम मिले। यही तो खासियत है, यही चीजें तो है, अलग सर को अलग होना चाहिए। अमेजोन वाली सीरीज देखी सर? मैं बता रहा था अभी उसी के बारे में कि अच्छा लगता है ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म, आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एक वेब सीरीज आपके ऊपर बनाता है, भारत के टीचर के ऊपर। देखो है तो बड़ी चीज तो लगती है सुनने में। देखी नहीं? देखी नहीं, पहला एपिसोड देखा। कुछ कुछ है।
है देखो मेरी लाइफ से, कुछ कुछ नहीं भी है, कुछ कुछ सीन्स बाहर आए हमने देखे अभी, तो कुछ कुछ है बेसिक, मतलब स्टोरी यही है बट काफी डिफरेंट है, कैरेक्टर नेम है, कुछ चीजें बॉलीवुड वॉलीवुड जो होता है ना वैसा उस टाइप का किया गया है, पूरी रियल स्टोरी नहीं है, काफी कुछ रियल नहीं है, काफी कुछ है काफी कुछ नहीं है, वो मूवी में बोलते हैं ना फिक्शन डाल देते हैं, मसाला वसाला डाल देते हैं, थोड़ा वैसा किया है। बेसिक स्टोरी तो वही है जीवन की जो गाथा है, सच्ची स्टोरी तो हम तो कितनी बार तुम लोगों को सुना ही चुके हैं यार, असली स्टोरी, अपनी स्टोरी लिखो यार, मेरी स्टोरी देख के क्या। है ना। बाकी ऐसी वेब सीरीज टीचिंग प्रोफेशन को बढ़ावा तो जरूर देंगी। मैं पर्सनली चाहता हूं, मैं पर्सनली आशा करता हूं कि छोटे क्रिएटर्स के ऊपर और भी ऐसी कहानी आए जिससे हमारे सामने सक्सेस की और भी स्टोरी और भी एग्जाम्पल और हमें और बहुत सारी वजह मिल जाए मोटिवेट होने के लिए। बाकी आप हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं, मेरी इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कमेंट कर सके तो और भी बहुत अच्छी बात है। मैं आपके कमेंट के इंतजार में हूँ, आपके लाइक के इंतजार में हूँ, आपके सब्सक्राइब के इंतजार में हूँ, और जो भी आपके फीडबैक्स हैं वो प्लीज मैसेज कर दीजिए। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुस्ताख इंडियन साइनिंग ऑफ।